मंदिर दर्शन कार्यक्रम के द्वारा वह जिंदगी ने आपको करीब 400 जैन मंदिरों के दर्शन करा दिए हैं, पर आज जिस क्षेत्र के जिस मंदिर के दर्शन आपको हम कराने जा रहे हैं उसमें दो भावनाएं निहित है। पहली तो ये कि बड़े गर्व की बात है, खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज का ये उद्गम स्थल है जहाँ खंडेलवाल जैनियों के पूर्वजों ने जन्म लिया और आज सारी दुनिया में उनके वंश फैल चुके हैं, जो न कि सफल हैं, बल्कि देश के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दूसरी भावना काफी पीड़ादायक है कि जिस क्षेत्र से इस गौरवशाली वंश का उदय हुआ उस क्षेत्र में मात्र एक ही जैन परिवार है और ये क्षेत्र आज उपेक्षित पड़ा है, और वो जगह है राजस्थान का खंडेला। नमस्कार, जय जिनेन दोस्तों, मैं ललित सराऊ की जैन मंदिर दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं उस पवित्र मिट्टी पे खड़ा हूं जिस मिट्टी से मेरे आपके पूर्वजों ने जन्म लिया और आज वो पूरे देश में फैल गए हैं, और वो जगह है खंडेला। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में करीब 900 जैन मंदिर थे, पर औरंगजेब काल में मात्र एक मंदिर को छोड़कर सारे नष्ट कर दिए गए थे, और वर्तमान में जो मंदिर मौजूद है वो आज अपने को भव्य रूप पाने के लिए तरस रहा है। सैकड़ों साल पहले इस इलाके में 84 सामंत हुआ करते थे, जिनसे ही खंडेलवाल जैन समाज के 84 गोत्रों की उत्पत्ति हुई, और आज ये गोत्र दुनिया के हर कोने में फैलकर जहां अलग अलग क्षेत्रों में भव्य मंदिर या धार्मिक स्थल बना रहे हैं, वहीं अपने पूर्वजों की जन्म स्थली को भूल गए हैं। मंदिर के पहले तल पर भगवान पार्श्वनाथ की करीब 11.25 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा स्थापित है। मूल नायक प्रतिमा के एक तरफ भगवान महावीर एवं दूसरी तरफ भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा भी स्थापित है, पर मंदिर के दीवारों को देखकर मन में बहुत पीड़ा हुई। जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक तरफ भव्य मंदिर करोड़ों की लागत से बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने उद्गम स्थल के मंदिर की ये हालत। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर भी एक वेदी का निर्माण किया गया है जहां पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजित है, साथ ही साथ माता पद्मावती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। गंगा जी जहां से निकली, गंगोत्री, वो जगह पूजनीय होती है। हमारा दिगंबर जैन समाज भी इसी खंडेला से निकला, भव्य मंदिर बनते जा रहे हैं हमारे देश में। मंदिरों में अनेक कलाकृतियां कारीगरी की जा रही है, पर इस उद्गम स्थल के मंदिर को देखकर वाकई मन में पीड़ा हो रही है कि ये तो एक ऐसा तीर्थ स्थल बन जाना चाहिए था जिसे हम अपने धरोहर मान के रखें। इस ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर के रूप में स्थित इस मंदिर से मात्र एक ही परिवार जुड़ा हुआ है। क्या इन प्रतिमाओं के अभिषेक या कलश या प्रक्षाल होते हैं? प्रतिमा के हमेशा प्रक्षाल होता है, अभिषेक होता है, और पूजा वगैरह जो ये रविवार और अष्टमी और 14 के दिन पूजा होती है। टेलीविजन के माध्यम से शांति धारा की राशियां भेजते हैं, न जाने कितनी डाक लेते हैं, कितनी राशियों को भेजा जाता है, और अपने उद्गम स्थल में मात्र एक व्यक्ति प्रतिमा का कलश और अभिषेक करता है। आप मेरी पीड़ा से शायद रूबरू हो रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ आकर मेरा मन इन सब बातों को सुनकर बहुत व्यतीत हो रहा है। खंडेला में करीब 3 साल पहले भूगर्भ से एक प्राचीन प्रतिमा भी प्राप्त हुई है,
जिसे पुरातत्व विभाग ने करीब 1800 वर्ष प्राचीन बताया है, जो करोड़ों की होगी। पर देश में फैले समाज की बेरुखी के कारण वो प्रतिमा मंदिर परिसर पर ऐसे ही रखी हुई है। मंदिर प्रांगण में एक रथ भी है। इसके साथ ही साथ कई भगवानों एवं आचार्यों की भव्य प्रतिमा भी निर्मित होकर ऐसे ही पड़ी है, जिन्हें स्थापित करना अभी बाकी है। इस खंडेला से निकले हुए खंडेलवाल समाज आज खंडेला से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर बस गए हैं, संपन्न हो गए हैं। वो इस ओर क्यों नहीं, इसके विकास के लिए, इसको धरोहर बनाने के लिए क्यों नहीं उनका मन हो रहा है? आज से करीबन 25 वर्ष पहले सभी खंडेलवाल समाज में जो भी शादियाँ होती थी या कोई किसी का निधन होता था तो उसमें यहाँ की एक लाग लगती थी जो सब निकालते थे। लेकिन धीरे धीरे जब से नई पीढ़ी आनी चालू हुई है वो भी बंद हो गई। अभी हमने करीबन 4 वर्ष पहले यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर 23 बीघा ज़मीन अलग से खरीद की है इस मंदिर के लिए। आज करोड़ों की भूमि है वो, उसमें हमारा विचार अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, वृत्ति आश्रम, विवाह स्थल, सभी हमारी योजनाएं हैं, वो भी विचाराधीन है। उसके लिए हमने जगह तो खरीद ली है लेकिन अभी तक लोगों का उससे जुड़ाव नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने उसमें सहयोग दिया है। तो यहाँ के जो खर्चे होते हैं, इतना बड़ा मंदिर है, इसका देख रेख, इसकी व्यवस्था फिर कैसे होती है? अभी यहाँ लगभग 30,000 रुपये महीने का खर्चा है। पिछले कई सालों से यहाँ पर खर्चे की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हालांकि खर्चा आज तक पूरा लग रहा है, साफ सफाई वगैरह सब काम हो रहा है, सब पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से चल रहा है काम, अभी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन फंड काफ़ी कम है, अभी यहाँ पर लगभग 20 लाख रुपया माइनस में चल रहा है। अगर प्रत्येक जैन समाज का आदमी अगर अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर और जब भी घर में शादी होती है उसके लिए अगर यहाँ कुछ 500, 1100, 2100 भी देना वो चालू करता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। हमारी भावना है कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम आज जन्म यहाँ की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आज मेरा मन व्यथित है, मैं पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। दुखी इस बात से हूँ, व्यथित इस बात से हूँ कि हमारे पूर्वजों ने 1200-1500 साल पहले जिस मिट्टी पे जन्म लिया वो आज बदहाल स्थिति में है। हमें सचेष्ट हो जाना चाहिए, हमें आज ही इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। खंडेला के एकमात्र जैन मंदिर की व्यवस्था सिकर समाज और एक कमेटी के द्वारा की जाती है, जिस कारण आज ये मंदिर सुरक्षित है। इसके लिए सिकर समाज धन्यवाद की पात्र है। पर देश के पूरे खंडेलवाल समाज को इसे एक भव्य रूप देना चाहिए। मंदिर की व्यवस्था को देखने में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले सिकर के श्री महेश जी जैन ने वह जिंदगी की टीम का आभार भी व्यक्त किया। वह जिंदगी के श्री ललित जी यहाँ पर अपने उद्गम स्थल पर आए, हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ आकर उन्होंने इसको संभाला, अपनी पीड़ा व्यक्त की और हमारी पीड़ा को समझा और आज सबके सामने हमारी पीड़ा को रख रहे हैं। कृपया आप सभी से निवेदन है कि यहाँ का कार्यभार संभालें और यहाँ का उत्थान करने में सहयोग करें। वह जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी ने पूर्वजों की उद्गम स्थली खंडेला के विकास के लिए समाज से आह्वान किया। मैं भी खंडेलवाल जैन हूँ। आज हमारे खंडेलवाल बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यवसायी जो देश के कोने कोने में भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, काश उन तक मेरी आवाज पहुंचे और इस मंदिर को जीर्णोद्धार कर, इस मंदिर को एक भव्य रूप देकर, इस मंदिर को एक धरोहर बनाकर इसकी कायाकल्प कर दे। अपने उद्गम स्थल पहुंचकर वह जिंदगी की टीम को जितना गर्व महसूस हुआ वहीं कई ज्यादा पीड़ा भी हुई। ये पीड़ा केवल हमारी नहीं बल्कि पूरे समाज की होनी चाहिए।
वह जिंदगी उम्मीद करता है कि इस फिल्म के द्वारा अपने पूर्वजों के उद्गम स्थल को जहां आपने देखा वहीं आप इस इलाके में आएंगे और इस क्षेत्र को विकसित कर मंदिर को भव्य रूप देकर म्यूजियम स्थापित कर अपने पूर्वजों की धरोहर को संभालेंगे जिससे हम सब की जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी।